हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मक्खन निकालने का आसान तरीका बता रही हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने ये मलाई ली है। मैंने गाय और भैंस दोनों का दूध इसमें इकट्ठा करा था, इसलिए इसमें दोनों की मलाई हुई है, इसलिए हल्का सा इसमें येलो कलर दिख रहा है। मैं हमेशा मलाई को फ्रीजर में रखती हूँ। इसे मैंने रात में ही फ्रीजर से बाहर कर दिया था ताकि पूरी अच्छे से नॉर्मल हो जाए। एक बड़ा बर्तन ले रही हूँ मैं, इसके अंदर आप पूरी मलाई को डाल दीजिए। मलाई को मैं पूरा कढ़ाई में ट्रांसफर कर दिया। आप चाहे तो किसी भी बर्तन में कर सकते हैं। इसे बस हमें इसी तरह से फेंटना है जब तक कि थोड़ी सी लिक्विड नहीं आ जाती। लिक्विड हो जाएगी और इसमें से थोड़ा सा जो इसमें दूध रहता है वो इसका निकलने लग जाएगा। बस इसी तरह से आपको चलाते हुए इसे दबाते हुए फेंटना है। मुझे इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट हुए, इसका जो दूध था थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है। इसके अलावा मैंने बिल्कुल ठंडा पानी लिया है, इसके अंदर मैंने बर्फ डाल दी थी 2 से 3 ट्रे, 1 गिलास पानी डाल के पूरा इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया। तो जो हमारा पानी है एकदम ठंडा, पानी ठंडा रहेगा तो ही आपका मक्खन जल्दी और अच्छा बन के तैयार होगा। बस इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे। ये पानी से पूरी तरह से धुल भी जाएगा और बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा इस तरह से ये जमने लगा है। आप चाहें तो चम्मच से, आप चाहें तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं। चम्मच से भी इजीली हो जाता है। ये प्रोसीजर हम मिक्सी में नहीं कर सकते, इसी तरह से बनाएंगे तो ही एकदम बढ़िया बनेगा। इसे दबाते हुए चलाते जाइए ताकि अंदर जो इसके दूध रहता है, मलाई को हम इकट्ठा करते हैं, थोड़ा बहुत दूध जो है उसके अंदर जाता है। इसी तरह से करने से पूरा अच्छे से ये निकल जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, इसे इसी तरह से चलाती जाऊंगी। इसे हमें 5 मिनट चलाना है, 5 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। मैंने इसे 2 ही मिनट फेटा है। ये देखिए पूरा ये जमने लगा है, पूरा एक जैसा हो गया है। इसे अब मैं हाथ से कर रही हूँ, चम्मच को आप साइड में रख दीजिए। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पहले पानी डाल रही हूँ, लगभग आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा डाला है मैंने पानी। इसे हम पूरा इकट्ठा कर लेंगे। देखिए पूरा बनने लगा है, बढ़िया मक्खन बन के तैयार होगा। आप इसे फ्रीजर में रख के 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको यूज़ नहीं करना है इसका तो इसे आप सीधा कढ़ाई में डाल दीजिए और इसका पूरा घी बन जाएगा। ये देखिए पूरा गोला जैसे बन गया हमारा ये। इसे मैं हाथ में ले रही हूँ और इसी तरह से दबा दबा के इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी है पूरा उसे निकाल दूंगी। ये देखिए कितना बढ़िया और एकदम कड़क। इसका कलर येलो इसलिए आया है हल्का सा, क्योंकि इसके अंदर मेरी गाय और भैंस दोनों की मलाई को इकट्ठा करा है। जो नीचे है उसे भी आप उठाते जाइए और इसके अंदर पूरा इकट्ठा कर लीजिए। बस इसी तरह से आपको दबाना है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा सादा पानी डालेंगे ताकि अच्छे से वॉश भी होता जाएगा पूरा, क्योंकि मेरी मलाई हमेशा फ्रीजर में रहती थी, बिल्कुल भी खट्टी नहीं हुई है। इस तरह से देखिए जितना आप दबाएंगे उतना अच्छा ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप दबाते जाइए, पूरा जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है पूरा निकल जाएगा। कितना अच्छा बन रहा है ये। इसी तरह से हमें 2 मिनट और करना है। इसे इसका पानी पूरा अच्छे से निकल गया। ये देखिए कितना अच्छा ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। कितना आसान है इसे बनाना, बिल्कुल भी इसे बनाने में दिक्कत नहीं आती है। इसे आप लंबे समय तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहें तो इसके पीस भी काट लें। इसे किसी भी बर्तन में जमा दीजिए, उसके अंदर रख के इसके बाद पीस आप काट के इसे बटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट का समय भी नहीं लगा मुझे इसे बनाने के अंदर, झटपट बन के तैयार हो जाता है। लगभग पूरा प्रोसीजर ख़त्म करने में मुझे 10 मिनट का समय लगा है। बस 10 मिनट के अंदर ही पूरा बन के रेडी हो चुका है और एकदम बढ़िया और अच्छा बना है। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।